खबर बुरहानपुर जिले से है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज शासकीय महाविद्यालय में भोज विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा चल रही थी। वही महाविद्यालय के तीनों कमरों में केंद्राध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा व अन्य शिक्षक मौजूद थे, जहां छात्र नकल की हदें पार करते हुए परीक्षा कक्ष में बैठकर नकल कर रहे थे। आपको बता दें कि जैसे ही एसडीएम वहां पहुंची तो शिक्षकों व छात्रों में हड़कंप मच गया। जब एसडीएम पल्लवी पुराणिक ने पहुंचकर तलाशी ली तो उन्होंने नकल में इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी मात्रा में चीटें जब्त की। एसडीएम पल्लवी पुराणिक ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज शासकीय महाविद्यालय में तीन तरह की परीक्षाएं चल रही हैं, जिसमें हमने पांच कमरों में निरीक्षण किया तो सभी कमरों में छात्र नकल करते मिले। बता दें एसडीएम ने सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। बुरहानपुर जिले से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। हम छत्रपति शिवाजी महाराज विद्यालय में हैं और यहाँ पर तीन तरह की एग्जाम्स चल रही है, बीएससी की, एमए की और बीकॉम की, और भोज विश्वविद्यालय और डीवीवी की भी एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट हो रही है। और हमने पांच रूम का निरीक्षण किया, जिसमें लगभग सभी रूम में विद्यार्थी चिट करते हुए पाए गए हैं और दो विद्यार्थियों से हमने समक्ष में भी चिट जब्त की है। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थी रूम में तो चिटिंग कर ही रहे थे, इसके अलावा टॉयलेट्स वगैरह में भी ले जाकर चिटिंग कर रहे थे। इनके खिलाफ प्रकरण बनाकर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। केंद्राध्यक्ष की और प्राचार्य की सबकी भूमिकाओं की जाँच की जाएगी और जिनकी भी भूमिका संदेहास्पद पाई जाएगी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जाएगी।